आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों को लखनऊ से होकर गुजरना होगा, इसके लिए शहर पूरी तरह से तैयार है। रंग रोगन से लेकर रोशनी तक पर काम हो रहा है। साफ सफाई के साथ शहर रंग बिरंगी झालरों में नहा रहा है। शुक्रवार को अयोध्या रोड पर लगे स्ट्रीट लाइटों के पोल पर रंगीन स्पायरल लाइटों को लगा दिया गया है, जिससे पूरी सड़क जगमगा रही है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। इसके अलावा जिलाधिकारी आवास के पास स्थित लक्ष्मण पार्क का भी दौरा किया गया। यहां की लाइट कटी हुई थी, जिसे लेसा से बात करते उन्होंने जुड़वाया। उसके बाद लक्ष्मण पार्क भी अब रोशन हो गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि अयोध्या रोड की तरह शहर के सभी प्रमुख मार्गों को शहर की प्रवेश सीमा से ही सजाने का काम किया जा रहा है। अयोध्या मार्ग NHAI का है, मगर नगर निगम ने स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और पोल पर स्पायरल लाइटों को लगाने का काम किया है। उधर शहीद पथ के पास रंग रोगन का काम चल रहा है। चौराहों पर दिवाले जैसे नजारे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय गुलाबी रोशनी से नहाएगा। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सभी महाविद्यालयों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने के साथ सफाई कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के निर्देशों के बाद शुक्रवार को विश्वविद्यालय सभी संयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अधिकारियों को संस्था में अवकाश करने, सफाई अभियान चलाने और परिसर को स्वच्छ रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर जारी पत्र के मुताबिक 22 से 26 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थानों में प्रकाश की विशेष व्यवस्था की जाएगी। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।